बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चार मीनार दवाखाना इंतजामिया तिब्बी हॉस्पिटल में डायरेक्टर रईस और तमाम यहाँ के प्रिंसिपल सुप्रिंटेंडेंट RMO और तमाम स्टाफ के साथ वहाँ पर एक मीटिंग हुई, जिसमें कंसल्टेंट्स को बुलाया गया और जो आर्किटेक्ट और जो इंजीनियर्स हैं यहाँ तमाम को बुलाया गया। बुलाकर एक मीटिंग की गई, यहाँ पे प्रिलिमिनरी मीटिंग की गई, किस तरह से इसको डिस्कवर किया जाए और काम कैसे शुरू किया जाए। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 52 करोड़ रुपए मेरे नसीब मिलत और मेरे मिलत की कोशिशों की वजह से 52 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, टेंडर भी हो चुका था, लेकिन यहाँ पर कुछ फंड्स की कमी पड़ रही थी पूरी तकमील करने के लिए। इसके लिए सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश रेवंत रेड्डी से कहा, नुमाइंदगी की और 30 करोड़ रुपये मजीद दवाखाने को मुकम्मल करने के लिए सैंक्शन हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम 82 करोड़ रुपये से इस हॉस्पिटल का पूरा काम हो जाएगा और ना सिर्फ हॉस्पिटल का तमाम यहाँ पे स्टाफ भी जो बढ़ाया जाएगा, स्टाफ की कमी है, कमी स्टाफ की पूरी की जाएगी और बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर काम होगा। कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यही चाहती है कि शहर का डेवलपमेंट हो और हेरिटेज का रेस्टोरेशन। देखिए ये शहर हेरिटेज का शहर है, यहाँ पर ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो मैं समझता हूँ शायद हिंदुस्तान में और किसी स्टेट में होंगे। इसको रेस्टोर करना हमारा फ़र्ज बनता है, हमारा फरीज़ा है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की निगरानी में तमाम जो हेरिटेज है यहाँ का उसको हम मेंटेन करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस के लिए भी हम हुकूमत से करेंगे, कंटिन्यूसली मेंटेनेंस के लिए भी पैसा दिया जाए, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन यही चाहती है और इसका फाउंडेशन जल्द से जल्द रखा जाएगा, क्योंकि टाइम मिलने का है, अभी CM साहब से टाइम लेना है, वो टाइम देने के बाद ही इंशाल्लाह ताला इनका फाउंडेशन होगा। CM साहब और सदर मोहतरम से भी टाइम लेना है, जब भी टाइम मिलेगा अकबर साहब जब भी टाइम देंगे इसका फाउंडेशन होगा, काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा।